नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर। ठीक है, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर, ये भी एक मेमोरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। बहुत सारे बच्चे जो है हिस्ट्री के डेट्स भूल जाते हैं, और भूलना भी है क्योंकि हम एक इंसान है तो हम भूल जाते हैं चीजों को। बट अगर चीजों को समझ लिया जाए तो, अगर चीजों को हम समझ लें तो हम कम भूलेंगे। भूलेंगे नहीं, अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने उसको राइट ब्रेन तक जाने दिया, आपने उस चीज को इमेज किया और इमेज के थ्रू आपने राइट ब्रेन में जाने दिया, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको वादा किया था तो कम से कम मैं आपको 50 या 60 तो बताऊंगा ही, तो आज मैं आपको 20 बताऊंगा। ठीक है, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ कि इसमें से कोई भी आपने इस वीडियो को या 20 मिनट 25 मिनट का जो भी जितने मिनट का वीडियो होगा अगर आपने देख लिया तो आप इसमें से एक का भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये लगता होगा कि वो सर ने जो कोडिंग बताया था, देखो आप अगर रीजनिंग दे रहे हो तो आपको यहाँ पे देखो जो कोड मैंने बताया है उस कोड से आप कोई भी चीज याद कर सकते हो। कोई भी मतलब आर्टिकल्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, सारी चीज मैं अभी बताने वाला हूँ। हेडक्वार्टर्स हो गए, बैंक की स्थापना हो गई, बुक्स ऑथर कौन लिखता है, कौन से बुक किसने लिखा हुआ, ये सारी चीज इतनी फनी हो जाएंगी ना कि आपको याद होने लगेंगी। वो तो एक जरिया था क्यूब बताने का। ठीक है, अगर आप अदर सोर्सेज का यूज करेंगे तो आपको हर एक जगह पे अलग अलग होंगे। आपको रिवर्स के डैम अलग याद कराए जाते हैं, क्यूब अलग याद कराए जाते हैं, ये हिस्टोरिकल चीजें अलग याद कराई जाती है। बट जो चीजें मैं बताऊंगा वो उन्हीं से ही रिलेटेड रहेंगे, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बेसिक बताए थे उन्हीं से ही रिलेटेड रहेंगे, और जितनी चीजें मैं बताऊंगा सबके सब उन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। तो आप बेफिक्र होके चीजों को समझना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने एक टॉपिक से स्टार्ट किया, मतलब हमारा जो ट्रिक है वो एक ही ट्रिक है, वो एक ट्रिक से ही हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। बट अदर सोर्सेस आप देखेंगे तो आपको हर जगह पे अलग अलग ट्रिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको 20 बताऊंगा बिना रुके। देखो अभी हम कैसे फटाफट समझेंगे, फटाफट इसको याद करेंगे। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर्स में मैंने 20 लिए हैं। ऐसे बहुत सारे वॉर इसमें है जो आपने नहीं सुना होगा, पहली बार सुने होंगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटे छोटे वॉर भी इसमें लिया हूं, क्योंकि हमको सारे वॉर्स को याद करने हैं। तो टोटल 70-80 वॉर है जो कि हम मिनटों में खत्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं। पहला है बैटल ऑफ मछीवाड़ा। पहला क्या है? बैटल ऑफ मछीवाड़ा। तो पहले मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कॉमेडी इमेज एंड फनी रिलेट। ठीक है, कॉमेडी इमेज बनाइए और फनी रिलेट करा दीजिए। तो कॉमेडी इमेज इसका क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आ जाइए, ध्यान दे देते हैं। कॉमेडी इमेज इसका बनेगा मच्छी और एक बनेगा वड़ा। आप वड़ा बोलिए, वड़ा वड़ा या वड़ा, वड़ा बोल सकते हो, वड़ा बोल सकते। ठीक है, तो मच्छी वड़ा, आप वड़ा खा रहे थे, आप इमेजिन कीजिए, आप वड़ा खा रहे थे और उसके अंदर मच्छी आ गया। आप वड़ा खा रहे थे, अब उसके अंदर मच्छी आ गया, तो आपने वड़ा को फेंक दिया। आपने वड़ा को क्या किया? फेंक दिया। बट उस वड़े को लालू जी ने उठा के खा लिया। किसने? लालू जी ने उठा के खा लिया। तो लालू को डिकोड करेंगे तो क्या बनेगा? 5-5। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कॉमन सेंस वाली चीजें, यहाँ पे कोई चीज रटनी नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो चीजें आपको तुरंत समझ में आएंगी। कॉमन सेंस क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे 15, कभी भी दो डिजिट आया तो आप नोट करके लिख लीजिए। अगर दो डिजिट्स का आता है कोडिंग के बाद, जिसे इसको कोड किया दो डिजिट्स आए, तो इसके आगे आपको 15 लगाना है। कितने लगाने हैं? 15, बस यही चीज आपको समझनी है, बस 15 लगाना है। बाकी इसके बाद के जितने होंगे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तीन रहेंगे तो ये लगाओ वो लगाओ। इसके बाद एक और है बस, कि अगर तीन कोड आते हैं तो आपको 1 लगाना है। क्यों 1 लगाना है? 2 तो लगाओ, तो सेकंड सेंचुरी में कौन से वॉर हो रहे हैं। ठीक है, तो 10 डिजिट्स आए तो 1 आपको ऑटोमेटिक लगा देना है, अगर 2 डिजिट्स आते हैं तो 15 लगा देना है। ठीक है, चलिए तो आपको ये दोनों कंसेप्ट समझ गए रहेंगे। अगर 2 डिजिट्स आए तो 15 लगा देना है, और अगर 3 डिजिट्स आए तो 1 लगा देना है। इसके पहले के जो वॉर हुए हैं 1000 में, 700 में, 800 में, इसके भी टॉपिक पे हम बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इन सब चीजों में 1500, 1600, 1700 में कौन कौन से वॉर हुए थे, 1800, 1900 में, वो देख लेते हैं, फिर हम उन टॉपिक्स पे भी देखेंगे बाद में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आप क्या कर रहे थे, वड़ा खा रहे थे, उस पे मच्छी आ गई, तो आपने वड़े को क्या किया? फेंक दिया। आपने जैसे वड़े को फेंका उसको कौन खा लिया? लालू ने खा लिया। तो लालू को डिकोड करेंगे तो 5-5, 15 आपको लगा देना, तो इसका कब हुआ था? 15-5-5। ठीक है, सेकेंड बेटा लो ताली कोटा। अब इसका फनी कॉमेडी इमेज क्या बनेगा? ताली कोटा। आप ताली कहां बजा रहे थे? कोर्ट में। अब कोई किसी का मर्डर किया है और किसी को सजा सुनाई जा रही है, तो आप वहां बैठ के ताली बजाएंगे तो क्या होगा? आपको गाली मिलेगी, सीधी सी बात है। तो जैसे आपने ताली बजाई कहां पे? कोर्ट में। ताली बजाई कोर्ट में, वैसे मिली आपको गाली। क्या मिली? गाली को कोर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6-5, 15 लगा देंगे।
15, 16, 5, इसका कोड 5 हुआ, इसको कट किया, इसका 5 आ गया, इसको कट किया, तो 6, 5, 6, 5, 15 हम लगा देंगे तो 16, 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 15, 16, 5। तो तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, ठीक है, ओके। चलिए थर्ड, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर, बक्सर का क्या है? मेरा एक फ्रेंड है जो कि बॉक्सर है, बक्सर से क्या मैंने बनाया, बॉक्सर बनाया। मेरा एक फ्रेंड है जो कि क्या है, बॉक्सर है, वो बॉक्सर है इसलिए बहुत ज्यादा सिगार पीता है। क्या पीता है? सिगार, ठीक है, क्या पीता है? सिगार पीता है। सिगार को अगर ब्रेक करेंगे तो 7, 6, 4, 7, 6, 4, 1 हमने लगा दिया तो 1, 7, 6, 4, तो सिगार पीता है, तो सिगार का क्या आएगा 1, 7, 6, 4। तो जो मेरा एक दोस्त बॉक्सर है वो बहुत ज्यादा सिगार पीता है, तो सिगार का क्या है, सी से 7, सिगार, तो ये कट गया, ये कट गया, तो सी से 7, इससे 6, इससे 4, तो 7, 6, 4, 1, ठीक है, ये हो गया बक्सर। अब बैटल ऑफ खानवा, खानवा भोजपुरी में इसको खाना, खाना को खानवा बोलते हैं। तो खाना, सभी लोग खाना मुंह से खाते हैं, बट आप जो है आप स्पेशल है इसलिए आप नाक से खाते हैं। किससे खाते हैं? नाक से खाते हैं। जस्ट इमेज बनाना है, कॉमेडी करना है, किसी भी तरह से कॉमेडी अपने को करना ही है, तो कॉमेडी कैसे भी कर सकते हैं, तो आप अपने ऊपर मत लीजिए, मेरे ऊपर ले लीजिए, ठीक है। तो आप खाना मुंह से खाते हैं, मैं खाना नाक से खाता हूँ, ठीक है। तो आप नाक को डिकोड करेंगे तो 2, 7, 2, 7, दो कोड आया तो आगे क्या लगेगा 15, मैंने आपको बताया था, दो कोड आया तो क्या लगेगा 15 लगेगा, तो 15 आप खाना किससे, मैं खाना किससे खाता हूँ, नाक से खाता हूँ, नाक को कोड करेंगे तो 2K7, 1527, ठीक है। नेक्स्ट, बैटल ऑफ चिलियान, ठीक है, बैटल ऑफ चिलियान, तो अगर इसका क्या कोड बनेगा, चिल और नान, चिल और नान, चिल और नान, नान खटाई होता है, चिल, चिल्ली, चिल्ली समझ लो, तो चिल्ली और नान आप बहुत खराब बनाते हो, वेरी बैड बनाते हो, क्या बनाते हो, वेरी बैड, आप बहुत ज्यादा खराब बनाते हो। इसको कोड को तोड़ेंगे तो 249, 1 लगा देंगे, इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, इसके आगे लोगे क्या, इसको आगे ले लेंगे, ठीक है, इसको 9 ले लिया, तो ये वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है, ये तो कोई डेट ही नहीं हुआ, तो वेरी बैड को हम क्या करेंगे, वेरी बैड, तो इसको 8, इसको 4, इसको 9, इसको कट कर देंगे क्योंकि हमको 3 ही चाहिए, यहाँ पे 3 आ गया तो 1 लगा देंगे, 2 आया तो 15 लगा देंगे, तो 3 आया तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो वेरी बैड, तो वेरी बैड का 18B, ठीक है, बैड, उसके बाद 1, 1, 8। आगे बैटल ऑफ हल्दीकोटा, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी, हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी क्या है इसको समझ लेते हैं, हल्दी घाटी, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी, आप जो हल्दी है, हल्दी आप दुकान में ले जाते हो तो आप केजी में लेते हो, कभी भी आप किस में लेते हो, केजी में लेते हो, ठीक है, किस में लेते हो, केजी में, तो केजी को कोड करेंगे तो 7, 6, 2 आया तो 15 लगा देंगे, है ना, केजी, के को 7 और जी को 6, तो इसको ब्रेक, इसको दो कोड आया तो आगे क्या लगा देंगे, 15 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 57 KG, जी से 6, 1576, ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। बैटल ऑफ समूहगढ़, समूहगढ़ यहाँ पे दिया है, अब इसको कोड क्या बना सकते हैं, हल्दी जो आप केजी में खरीदते हैं, आगे समूहगढ़, आप शाम को, यहाँ पे शाम बन गया, यहाँ पे गढ़ बन गया, गढ़, शाम गढ़, तो शाम को आप अपने दोस्तों के साथ गढ़ पे जाते हो, या आपने गढ़ बनाया हुआ है, उस गढ़ पे जाते हो अपनी जुल्फों को हवाएं देने के लिए, अपनी जुल्फों को हवाएं देने के लिए, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आप शाम को गढ़ पे जाते हो लड़कियों की जुल्फे देखने के लिए, ठीक है, ये और ज्यादा बेटर होगा, आप किसी भी टेक्निक से याद कर सकते हो, तो आप शाम को गढ़ पे जाते हो आप अपनी जुल्फों को हवाओं में उड़ाने के लिए, तो जुल्फ, जुल्फ, तो जुल्फ को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का 6 हो जाएगा, जुल्फ, एल है यहाँ पे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, तो 3 आया तो 1 लगा देंगे, 1658, ठीक है, तो इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है, ओके। बैटल ऑफ क्या दिया है, चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर का कैसे करेंगे, यहाँ पे कोड क्या बनेगा, कॉमेडी इमेज बनेगा चांद, क्या बनेगा, चांद, तो चांद पे वही जाएगा जो टॉपर होगा, चांद पे कौन जाएगा, वही जाएगा जो क्लास का टॉपर होगा, तो टॉपर का क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे टॉपर, टॉपर को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 194, 1 अपने आप लगा देंगे, ठीक है, चांद पे कौन जाएगा, एक मिनट में इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, आप इसको लिख लिए रहेंगे, ठीक है, चलो हम चलते हैं चंदा पे,
तो चंदावत पे कौन जाएगा? जो क्लास का टॉपर होगा। तो यहाँ पे दो दिया मैंने आपको, ये टेक्निक बताई है कि जहाँ पे दो दिया रहेगा उसको एक लिखना है। तो टॉपर का 194, यहाँ पे 1 अपने आप लग जाएगा, तो 1194। ठीक है, किस तरह से देखो, 3 आया तो 1 लगा दिया, 2 आएगा तो 15 लगा देंगे। ठीक है, तो क्लास के टॉपर ही चांद पे जाएंगे। नेक्स्ट, बैटल ऑफ रूहेला। बैटल ऑफ रूहेला, तो रूहेला, रूहेला क्रिकेटर है KKR में। कहाँ पे? KKR में एक रूहेला करके क्रिकेटर है, तो रूहेला, रूहेला, रूहेला किसमें है? KKR में। KKR को ब्रेक करके 7741, ठीक है, 7741, 1774, तो 1774। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1774। चंदावत पे कौन जाता है? टॉपर जाते हैं। टॉपर्स को ब्रेक करेंगे तो 19, टॉपर तो 4। आप आगे क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे आप इस तरह से। ठीक है, तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, विदाउट कोडिंग को लिखे। बैटल ऑफ दौरा, बैटल ऑफ दौरा। अब यहाँ पे मैं दौरा ले लिया, दौरा कोड को उठा लिया। दौरा किसको भी पढ़ सकता है, या तो वो मेन भी हो सकता है या तो वुमेन्स भी हो सकता है। तो दौरा किसको पढ़ सकता है? या तो मेन या तो वुमेन। अब देखो इसमें से दोनों के कोड बन रहे हैं। अगर मैं मेन से करता हूं तो मेन्स के कितने कोड आएंगे? 3-2 आएंगे, तो 3-2 लिख देता हूं मैं, 3-2। अब यहाँ पे वुमेन्स में क्या आएंगे? ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट गए, बचे क्या? 3 और 2, वही आया ना, मेन्स लिखो या वुमेन्स लिखो। ठीक है, मेन्स लिखो या वुमेन्स लिखो। तो यही कोड यहाँ पे भी आ रहा है, वही कोड वहां पे भी आ रहा है। अब हमको इसमें क्या ऐड करना है? 2 डिजिट्स का, तो आगे क्या ऐड होगा? 15 ना। चीजें समझना स्टार्ट कर दो आप, चीजें आसान हो गई है। ठीक है, तो कितना आ गया? 15, 32। नेक्स्ट, बैटल ऑफ चौसा, चौसा। अब यहाँ पे मैंने कोड उठाया चौसा। दौरा का समझा, दौरा किसी को भी आ सकता है, या तो वो मेन हो सकता है या तो वुमेन्स हो सकता है, आदमी औरत दोनों को आ सकता है। तो दौरा 15, 32। नेक्स्ट, बैटल ऑफ चौसा, चौसा, चौसा से मौसा बन गया। मैंने अपने मौसा को ले लिया, चौसा, मौसा। तो चौसा को कॉमेडी में मैंने मौसा बना दिया। मेरे मौसा क्या है? एमपी है। मेरे मौसा क्या है? एमपी है। मेरे मौसा एमपी है, तो एमपी को अगर डिकोड करेंगे तो 3915, 1539। तो यहाँ पे 1539। ठीक है, इतनी स्पीड से करना है। 15 मैंने लगा दिया, 39 मुझे कोडिंग मिल गया। नेक्स्ट, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी, जो प्लासी, प्लासी दिया है। अब प्लासी से क्या कोड बना सकते हैं आप सोचो जरा, मैं अपना दूसरा सोचता हूँ। ठीक है, मैंने जिस तरह से याद किया उसको छोड़ देते हैं, दूसरा सोचते हैं कि क्या है प्लासी से क्या कर सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, तो खालसी बता सकते हैं उसको, खालसी, खालासी जो लोग, तो खालासी लोग जो होता है। अच्छा, ये बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, 1757। देखो किस तरह से कोड बनाते हैं, मैं जैसा बनाया उसी तरह से आप अपना भी बना सकते हो। अब देखो बना के दिखाता हूँ। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, तो मैंने खालासी बताया, तो खालासी जो है वो क्या कर सकते हैं? मैं इससे 1 तो मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि 1 तो मैं ऐड करने वाला हूँ, तो 3 डिजिट का मुझे बनाना है। तो यहाँ से सी होता है, इसका एल होता है, इसका भी सी या के होता है, तो सी के दोनों ले सकते हैं। तो इसका क्या बना सकते हैं? सी एल, ठीक है, हाँ, क्लॉक ले सकते हो आप। ठीक है, सी एल ओ सी के, दो डिजिट दिया, हमको एक ही लिखना है, हमको तो एक ही से मतलब है ना। तो 7, इसका 5, इसका 7, 757 आ तो गया क्लॉक। तो आप बना सकते हो कि खालासी लोग जो है वो प्लासी में लड़ने जाते हैं, क्या पहन के जाते हैं? क्लॉक पहन के जाते हैं, खत्म। ठीक है, तो क्लॉक पहन के जाते हैं, उसमें 1757। देख लिया आपने, आपने लाइव मैंने बना के दिखाया किस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, बैटल ऑफ खारी, तो खारी, खारी, खड़ी, इसको खड़ी बना दो। बैटल ऑफ खारी, तो खड़ी, एक लड़की है जो खड़ी है पपीते के वृक्ष के नीचे, पपीते के पेड़ के नीचे, किसके नीचे? पपीता, पपीता के पेड़ के नीचे खड़ी है। तो पपीता को डिकोड करेंगे तो 991, ठीक है, एक आ गया 1991। ठीक है, आप ऐसे बना सकते, तो 19, पपीता के पेड़ के नीचे खड़ी है, तो 9, इससे 9 बन गया, इससे 9 बन गया, और इससे 1 बन गया यहाँ। ठीक है, तो ऐसे, तो आपको इस तरह से ये सारी चीजें फटाफट बनाने आनी चाहिए। उसके बाद बैटल ऑफ खतौरी, ठीक है, बैटल ऑफ खतौरी, खतौली, खतौली है। तो बैटल ऑफ खतौली को क्या कर सकते हैं? तो अगर इसको कॉमेडी में जो बनाने जाएंगे तो यहाँ पे देखो आप तौली बन रहा है, तौली, तौली बन रहा है ना। तो आप समझिए, आप इमेजिन कीजिए कि जो आपके घर में तौली है उसको आप डव साबुन से धोते हो। किस साबुन से धोते हो? डव साबुन से धोते हो। तो डव को डिकोड करेंगे तो क्या होगा? 18, इसको लगा देंगे आगे 15। किससे धोते हो आप? डव साबुन से धोते हो, तो डव का क्या हो जाएगा? इसका 1, इसका 8, ये दोनों वॉवल से कट जाएंगे, आगे 15 लगा देंगे तो 15
18 आगे बैटल ऑफ खुर्दा, बैटल ऑफ खुर्दा, तो आप यहाँ पे तौली बना दिया, तौली किसे धोते हो, डॉ साबुन से धोते हो, तो बैटल ऑफ खुर्दा यहाँ पे खुदा समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, बैटल ऑफ खुर्दा से खुदा, बैटल ऑफ खुर्दा से क्या खुदा, तो खुदा बना दो। अब आप यहाँ पे प्रार्थना करो खुदा से, हे खुदा मेरी सारी इच्छाएं कबूल करो, या जब शादी करने जाते हैं तभी भी उस मवड़े में बोला जाता है कि कबूल, तो वो वर्ड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, खुदा मेरी सारी इच्छाएं आप कबूल करें, या फिर आप कुछ दान दे रहे हो तो आप उनको बता सकते हो कि मुझे ये कबूल करें आप, तो क्या हो जाएगा कबूल, डबल ओ एल या यू लगा दो, हमको क्या करना है सिर्फ कोडिंग करना है, तो कबूल से क्या कर सकते हैं 795, वन लगा दिया 1795 है ना, 1795 कबूल से खुर्दा, खुर्दा से खुदा। आगे बैटल ऑफ बालकन, बालकन 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 से बालक हो सकता है, बालकन से क्या हो सकता है बालक, तो बालक सबसे ज्यादा बालक पटना में रहते हैं, कहां पे रहते हैं पटना में रहते हैं, पटना को डिकोड करेंगे तो 192 आगे लगा दिया 1 तो 912 ठीक है 1912 पटना, सबसे सबसे ज्यादा बालक लोग कहां रहते हैं पटना में रहते हैं, तो पटना का 912 ठीक है। बैटल ऑफ क्रीमिया, बैटल ऑफ क्रीमिया क्या होता है, बैटल ऑफ क्रीमिया तो सोचो नाम ही कितना अजीबोगरीब है, क्रीमिया तो क्रीमिया आप क्रीम बना सकते हो, इसे क्या बना सकते हो क्रीम, तो आप फेस पे अपने क्रीम लगा रहे थे और पहली बार पाए थे तो आप बहुत ज्यादा लगा रहे थे और ऐसा पूरा निकाल के पूरा लगा रहे थे, तो जितना तो फेस भी नहीं लगाया उससे ज्यादा तो नीचे गिरा दिया, फ्लोर पे गिरा दिया, उससे ज्यादा क्या किया फ्लोर पे गिरा दिया, तो फ्लोर को डिकोड करेंगे तो क्या होगा इसका 8 इसका 5 इसका 4 1 लगा दिया 1854 ठीक है, तो 1854 इस तरह से आपको फटाफट कोडिंग करने आना चाहिए। नेक्स्ट बैटल ऑफ, तो आपने क्रीम क्रीम लगा रहे थे आप मुंह पे, उससे ज्यादा क्या कर रहे थे आप नीचे गिरा दे रहे थे, फ्लोर पे गिरा दे रहे थे, तो आपको फ्लोर याद करना है समझना है ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज को कोडिंग ले सकते हैं हम, कॉमेडी इमेज कन्नौज का बना सकते हैं ठीक है, कन्नौज का क्या बनाएंगे, जैसे कि आप कहीं जा रहे थे ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपको पूछा कन्ने जा रहे हो ठीक है, कन्ने जा रहे हो ऐसे बोलते हैं, कन्ने जा रहे हो कन्नड़ में, तो किसी भाषा में बोलते हैं कन्ने जा रहे हो, तो आप उनको जवाब देंगे आप ओरेस पीने जा रहे हो, ओआरएस, क्या पीने जा रहे हो ओआरएस, क्या पीने जा रहे हो ओआरएस, तो ओआरएस को ब्रेक करेंगे या फिर आरएस भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो रुपया आरएस कुछ भी, तो ORS आप क्या पीने जा रहे हो, आपको कन्ने ने पूछा किधर जा रहे हो, कन्ना एक लड़का था सब, हाँ एक लड़का मान लो, चलो एक नया टॉपिक आया, कन्ना एक लड़के को मान लो और आपसे पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आपने बोला कि ORS पीने जा रहे हो, ORS को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 40, यहाँ पे हमको क्या लगा देना है 15 लगा देना है ठीक है, ORS ORS का RS है RS 4 और ये S 0, तो यहाँ पे क्या लगा दिया 15 लगा दिया 1540। नेक्स्ट बैटल ऑफ खरादा, अब आपको ये बनाना है, मैंने दो डेट लिख दिया है 1775 1815, आपको ये दोनों मुझे बना के कमेंट नीचे करना है कि किस कोड से आपने बनाया ठीक है, तो ये हो गए 20 इंपॉर्टेंट डेट ठीक है। आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, आप भी नोटबुक और पेंसिल सब साइड में रख दीजिए और फटाफट देखते हैं रिवाइज करते हैं, सिर्फ कोडिंग करेंगे नंबर्स नहीं लिखेंगे, देखते हैं कितनी फास्ट ये हो सकता है ठीक है। बैटल ऑफ मछीवारा, बैटल ऑफ मछीवारा, मछी पाव में गिर गया तो उसको उठा के किसने खा लिया लालू, लालू को कोडिंग करेंगे तो 55 ठीक है, कितनी स्पीड से 1555 इसको लिख देंगे 1555। नेक्स्ट बैटल ऑफ तालीकोटा, आप ताली बजा रहे थे कोर्ट में, आपको तुरंत क्या मिली गाली मिली, तो गाली को कोड करेंगे तो क्या होगा 65, यहाँ पे 15 लगा दिया 1565। नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर, मेरा दोस्त एक बॉक्सर है जो कि क्या पीता है सिगार पीता है, तो सिगार को कोडिंग कर देंगे। नेक्स्ट खानवा, सब लोग खाना, आप लोग खाना मुंह से खाते हो, मैं नाक से खाता हूँ ठीक है, तो नाक का बना सकते हो। बैटल ऑफ चिलियान, चिलियान का चिलिया, बहुत ज्यादा वेरी बैड बनाते हो, आप हल्दी केजी में खरीदते हो, शाम को आप गढ़ पे जाते हो अपनी जुल्फों को हवाएं देने के लिए, चांद पर वही जाएगा जो क्लास का टॉपर होगा, रूहेला केकेआर की टीम में एक रूहेल है ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ दौरा, दौरा किसको भी पढ़ सकता है, मेन और वुमेन्स को पढ़ सकता है। बैटल ऑफ चौसा, तो मेरे मौसा क्या है एमपी है, चौसा से मौसा। बैटल ऑफ प्लासी, खालसा लोग क्या करते हैं वॉच पहनते हैं क्लॉक पहनते हैं। बैटल ऑफ खड़ी, तो खड़ी थी किसके नीचे, एक लड़की खड़ी थी किसके नीचे, पपीता के पेड़ के नीचे ठीक है। बैटल ऑफ कटोरी, ठीक है खतौली, तो खतौली से तौलिया, तौली किसे धोते हैं आप डव साबुन से धोते हैं तौली ठीक है। बैटल ऑफ खुर्दा, ये खुर्दा
मुझे कबूल कर या मेरी दी हुई सारी चीजों को कबूल कर, कबूल करो कुछ भी करो। बेटर ऑफ बालकन, सबसे ज्यादा बालक लोग कहाँ रहते हैं? बैटल ऑफ क्रीमिया, तो क्रीम कहाँ लगा रहे हो? फेस पे। सबसे ज्यादा नीचे कहाँ गिर रहा है? फ्लोर पे गिर रहा है। बैटल ऑफ बालकन, बालकन लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज, आपने कन्ने ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, आपने बोला ORS पीने जा रहा हूँ। तो इस तरह से हो गए 20। अब आप मुझे पता है 20 मिनट लगे मुझे इस लेक्चर के, अगर आपने 5 मिनट भी अच्छे से देखा तो आपको याद हो गया रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं 70 के 70, 80 के 80 आपको याद कराने वाला हूँ। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि इसमें हमको थोड़ी सी फनी टाइप्स के मिलते हैं, तो हमको थोड़ा मजा भी आता है, एंजॉयमेंट हो जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 20 को लेके, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए और हद से ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। क्यूब हो गए, क्यूब को आप 100 बनाएंगे, आप मुझे 100 बना के दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि बोर्ड में मैं बताते जाऊंगा, बहुत लेक्चर्स हो जाएंगे। मैंने आपको टेक्निक बता दी, उस टेक्निक से आप क्यूब को बनाइए, कुछ नहीं तो आपका माइंड डेवलप होगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए और क्यूब को बनाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए 20 और वॉर को लेके, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।